And joining me now is the Gujarat Congress working president Hardik Patel, whose absence from the Congress Chintan Shivir has sparked up a controversy. Hardik bhai, aap Chintan Shivir mein nahi gaye, uske bajaye aap Ahmedabad mein baithe hain. Log keh rahe hain ki aap roothe hue hain, aap taiyari kar rahe hain ab BJP mein join karne, aap Congress se ub gaye, bahut ho gaya, isliye aap Chintan Shivir mein nahi gaye. Kyon nahi gaye Udaipur mein? Baki sab neta hain wahan. देखिए, पहली बात की उप गए हैं नहीं गए, उसके पीछे का रीजन यही है कि मेरे कार्यक्रम पहले से सामाजिक समाज के लगे हुए हैं और एक एक महीने पहले से एक जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होते हैं मंदिरों के, और उसमें नहीं जाते तो मैसेज गलत जाता है. तो स्वाभाविक है पहले क्या कि पहले उस कार्यक्रमों में जाना जरूरी था. कल चिंतन शिविर में जाएंगे जरूर, और रूठना बुठना ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन स्वाभाविक है कि पार्टी के भीतर जब बड़ी पार्टी होती, बड़ा परिवार होता है, तो छोटा मोटा मनमुटाव रहता है, और ऐसे छोटे मोटे मनमुटाव समय आने पर ठीक हो जाते हैं. नहीं नहीं, छोटे मोटे मनमुटाव अपने आप है. पहले दिन चिंतन शिविर है, वहां जाने के बजाय आप अपने कार्यक्रम में लगते हैं. मैसेज तो जाता है ना कि कहीं ना कहीं हार्दिक रूठे हुए. ये आप इनकार मत कीजिए कि आप पूरी तरह से खुश हैं. नहीं नहीं नहीं, ऐसे देखिए, वो तो सबको मालूम है कि क्यों नाराजगी है. वो तो पार्टी के हाईकमान तक भी हमारी बात रखी हुई है. कोई पद पाने के लिए नाराजगी नहीं है कि हमको वो बना दो, फलाना बना दो. हमारी बात तो जो पार्टी के भीतर हमने रखी है, वो वर्क के लिए रखी है. कि मैं क्या, क्यों नाराज है हमें बताइए, क्यों नाराज है हार्दिक पटेल, नाराज क्यों है? देखिए, दो साल से आपने हमको वर्किंग प्रेसिडेंट बना रखा है, तो दो साल से आपने अभी तक हमारी जिम्मेवारी तय क्यों नहीं की? सिर्फ पद देना बड़ी बात नहीं होती, पद के बाद उसके लिए उसका उपयोग करना, काम देना, उस काम में मैं सफल रहू ना रहू वो देखना, वो आपकी जिम्मेवारी होती. जो आज तक नहीं हुआ, बस उसी का दुख है कि हमने 2015-17 में इतने बड़े आंदोलन के बाद जब पार्टी को फायदा दिलवाया, पार्टी को मजबूती दिलवाई, और फिर आज हमारे साथ ये होता है, तो कभी कभी दुख होता है. और हमने आज तक पार्टी को 100% दिया है, पार्टी से कुछ लिया नहीं है कि पार्टी से ले लिया और फिर हम कुछ काम ना किया. हमने पूरा काम पार्टी को दिया है, पूरा काम करना चाहते हैं, तो वही बात होती है, और उसी कारण थोड़ा दुख लगता है. इसमें कोई नाराजगी नहीं है, दुख. आपकी राहुल गांधी से बात हुई? अभी राहुल गांधी गुजरात में थे, आपकी डायरेक्ट बात हुई? ये नाराजगी जो आप आज शो पे कह रहे हैं, उनके सामने रखी आपने? देखिए, उनको मैंने 15-17 दिन पहले बात की थी, उनको मैंने मेरी जो परेशानी थी, मुझे मेरा जो दुख था, उन तक मैंने पहुंचाया है. अभी जो दाहोद आए थे कार्यक्रम में, तब तो कोई बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि वो व्यस्त थे. 5-1 घंटे का कार्यक्रम था जिसमें 3-4 प्रोग्राम को खत्म करना था, तो उस हिसाब से बात नहीं हुई. लेकिन 15 तारीख को जब ये चिंतन शिविर खत्म हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि जरूर वो इस मुद्दे पर, इस विषय पर सकारात्मक बातचीत करेंगे और उसका हल निकालेंगे. मैं आपको डायरेक्ट सवाल पूछता हूं, क्या हार्दिक पटेल बीजेपी में जाने की, गुजरात के चुनाव पे पहले बीजेपी या आम आदमी पार्टी दोनों में जाने की कोई संभावना है? जिस तरह से आपने कुछ ट्वीट्स किए हैं, उससे लगता है कि अब आप बीजेपी के साथ भी उतनी दुश्मनी नहीं रही, और आम आदमी पार्टी के लोग भी हमें कहते हैं कि हार्दिक पटेल तैयार है बिल्कुल हमारे साथ आने के लिए. कौन सा ट्वीट? मैंने तो ऐसा कोई ट्वीट किया ही नहीं है राजीव जी. ये तो सिर्फ बातें होती रही थी. देखिए, जब कोई मैंने कहा कि भाई मेरी ये नाराजगी है, ये मेरी परेशानी, ये मेरा दुख है, तो फिर हर कोई अटकलें लगाना शुरू कर देता है, फलाना भाजपा, आम आदमी पार्टी. तो वो तो अलग चीज है कि हर किसी को अपने अपने सूत्र के हवाले से अफवाह फैलाने का अधिकार है, उसमें मैं खुल के कोई बात करना नहीं चाहता आपसे. लेकिन आप मुझे आश्वासन दे सकते हैं, या अब आप हमें बताइए, न्यूज पॉइंट की चुनाव हो रहे हैं नवंबर दिसंबर में गुजरात में, उस चुनाव में हार्दिक पटेल कांग्रेस में ही रहेंगे या कहीं और भी जा सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई जाने की बात ही नहीं. अगर पार्टी के नेताओं से बातचीत होगी, पार्टी के जो विभिन्न मुद्दे हैं, जो परेशानी है, उस पर हल निकल जाएगा, तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं होती ना. हम तो चाहते हैं कि हम पार्टी के भीतर रहकर प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर राजदीप जी खरे उतरे, और हमने अपने 7 साल के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में कभी कुछ पाया नहीं है. सिर्फ और सिर्फ पाया है तो जनता का प्यार पाया, और इसीलिए आज बिना कोई पॉलिटिकली बैकग्राउंड, बिना कोई पॉलिटिकल फैमिली, हम अपनी जमीन यहाँ मजबूत करके रखे हैं. क्यों? क्योंकि जनता का प्यार है. हम ईमानदारी से लगातार लोगों के बीच जाते हैं. राजनीति का मतलब क्या है? एसी रूम में बैठकर ड्राफ्ट तैयार करना नहीं, लोगों के बीच जाना, लोगों की तकलीफें सुनना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, और वो काम कर रहे हैं. तो आप जो कहा कि हम कहां देखेंगे, अभी तो हम यही है और यही रहना चाहते हैं.
अभी तो हम यही है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 22 अप्रैल को ये अटकलें लगाई गई। व्हेन यू प्रेज द बीजेपी लीडरशिप, आपने बीजेपी लीडरशिप की प्रशंसा की और कहा आई एम अ प्राउड हिंदू, तब ये जब कहा गया लोगों ने कहा यार अब हार्दिक तैयार हो रहा है बीजेपी में जाने के। अच्छा, अरे अरे हिंदू होने पर गर्व होना, तो क्या उसका मतलब ये होगा कि बीजेपी में चले गए? राजीव जी आप भी खरे आदमी हो यार। अगर अगर मैं ये कहता हूँ हम तो रघुवंशी कुल के लोग हैं, हम तो हिंदू होने पर हमें बिल्कुल गर्व है, हम तो भगवान राम की, आप मेरे घर पे आइएगा तो 3 फुट की भगवान राम की प्रतिमा हम अपने हमारे घर में रखते हैं, रामनवमी पर हमारे घर में पूजा होती रहती है, तो ये कोई ये लिंक करने वाली बात नहीं है। और बात रही कि हमने किसी की तारीफ की थी कि राजनीति में राजदीप भाई दुश्मन की भी कुछ चीजों पर हमें समझ रखनी पड़ेगी, उसकी बातों को समझना पड़ेगा और तभी तो राजनीति हो सकती है ना। अगर मैंने कुछ बात कही, अगर मैंने कहा कि फलाने लोग पूरी एक्टिविटी या पूरी तैयारी के साथ काम करते हैं तो हमें उसमें ध्यान रखना चाहिए, नथिंग। सो यू आर सेइंग कि टुमारो यू विल गो टू द चिंतन शिविर, आप वहां लोगों से मिलेंगे और राहुल गांधी को अगले हफ्ते मिलेंगे, यानी ये कहा जाए कि हार्दिक पटेल तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस को छोड़ने के लिए, ये गलत खबर है, राइट? देखिए हमने राहुल जी को अपनी जो बात थी वो अपनी बात हमने रख दी है, हमने प्रियंका जी को भी बात रखी है, महासचिव वेणुगोपाल जी को भी बात रखी है और अब उनका जवाब सुनना है, हमें तो हमारी बात रख दी। और देखिए राजदीप भाई हम वो पॉलिटिकल आदमी नहीं कि चुनाव है तो पार्टी पर दबाव करे, हमने तो ये कहा कि वर्किंग प्रेसिडेंट का पद ले लीजिए आप, हमें काम दीजिए, बिना पद पर रहे बिना भी हम काम कर सकते हैं, कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। देखिए काम तो देना पड़ेगा ना, 6 महीने चुनाव के बच्चे हैं, आप सिर्फ निग्लेक्ट करते रहोगे, आपको इंपोर्टेंट मीटिंग में नहीं बुलाओगे, आप एक वर्किंग प्रेसिडेंट रूम में सिर्फ एक गुजरात में उसकी फोटो भी आप नहीं लगा सकते तो दुख तो जरूर होगा ना कि, या फिर तो फिर पद क्यों दिया है, समझिए आप पद की तो आपका गुस्सा आपके स्टेट यूनिट के साथ है, आपका गुस्सा है कि वहां का नेता जो है वो एक तरह से आपको कोई तवज्जो नहीं दे रहे, दे आर नॉट गिविंग यू इंपॉर्टेंस, राइट? मैंने पहले भी कहा कि मेरी जो नाराजगी है वो स्टेट यूनिट के साथ है, सेंट्रल लीडरशिप से नहीं है, लेकिन जब सेंट्रल लीडरशिप को ये सब पता हो और उसके बाद जब उस पर वो डिसीजन ले ले तब मुझे उनसे कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सेंट्रल लीडरशिप इस मामले में अपना क्या बोलते कि बीच में आए, अपनी बात रखे और कहीं ना कहीं स्टेट लीडरशिप से कहे कि भाई आप ऐसा मत कीजिए, राइट? सो आपने एक तरह से बातों बातों में मुझे इशारा दे दिया है कि बॉल इज इन द सेंट्रल लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस इज कोर्ट, हार्दिक पटेल चाहे नाराज है स्टेट यूनिट से बट ही विल टेक अ फाइनल डिसीजन ओनली आफ्टर ही मीट्स राहुल गांधी, एम आई करेक्ट? यस, फाइनल डिसीजन आफ्टर मीटिंग राहुल गांधी। ओके हार्दिक पटेल, देखते हैं आप क्या डिसीजन लेते हैं, चुनाव में केवल 6 महीने रह गए हैं गुजरात में, सबकी नजर एक तरह से आप पर भी रहेगी। थैंक यू वेरी मच हार्दिक पटेल हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।